हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनु प्रेगनेंसी टिप्स। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरी डिलीवरी हो चुकी है और मेरी हुई है बेबी गर्ल। तो मैं आप लोगों को बेबी गर्ल यानी कि अपनी प्रेगनेंसी में जो भी मुझे सिम्टम्स दिखाई दिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं शुरू। तो फ्रेंड्स, मेरी प्रेगनेंसी में जो सबसे पहला सिम्टम्स था वो था मॉर्निंग सिकनेस। मुझे मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा आलस आता था और उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। तो ये पॉइंट जाता है बेबी गर्ल को, क्योंकि लोग बोलते हैं जब बेबी गर्ल होती है तो मॉर्निंग सिकनेस सबसे ज़्यादा होती है। सो फ्रेंड्स, जो दूसरा सिम्टम्स था वो था कि हमारे प्राइवेट पार्ट से लेकर सीने तक एक लाइन बनती है। तो बोला जाता है कि यदि लाइन सीधी हो तो लड़का होता है और यदि लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो तो लड़की होती है। जो मेरे केस में हुआ था उसमें लाइन बिल्कुल सीधी थी, नाभि के नीचे से भी सीधी थी और नाभि के ऊपर भी सीधी थी। तो ये पॉइंट जाएगा बेबी बॉय को। जो तीसरा लक्षण था, तो बोला जाता है कि जब शुरू के 3 महीने में बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती है तो लड़की होती है, अगर उल्टियाँ कम होती है तो लड़का होता है। तो मेरे केस में क्या हुआ था, मुझे तो बहुत कम उल्टी हुई थी। तो ये पॉइंट भी जाएगा बेबी बॉय को। और चौथा जो लक्षण है, तो बोला जाता है यदि गर्भ में बेटी होती है तो मीठा खाने का मन करता है, यदि लड़का होता है तो खट्टा खाने का मन करता है, तीखा खाने का मन करता है। तो मेरा तो शुरू से ही तीखा चटपटा खाने का मन करता था, मीठा बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं था, फिर भी मुझे बेबी गर्ल हुई है। तो ये पॉइंट भी जाएगा बेबी बॉय को। पांचवा जो लक्षण है, तो बोला जाता है यदि बेबी का मूवमेंट राइट साइड में ज़्यादा होता है तो लड़का होता है, यदि लेफ्ट साइड में ज़्यादा होता है तो लड़की होती है। तो मेरे केस में क्या हुआ था, मुझे राइट साइड में मूवमेंट ज़्यादा फील होती थी पूरी प्रेगनेंसी में। तो ये पॉइंट भी जाएगा बेबी बॉय को। तो फ्रेंड्स, जितने भी मेरे में लक्षण थे वो सारे बेबी बॉय के थे और मुझे हुई है बेबी गर्ल। जो अगला लक्षण है, छठा लक्षण, तो बोला जाता है यदि बेबी की हार्ट रेट 140 से कम होती है तो लड़का होता है, यदि 140 से ज़्यादा होती है तो लड़की होती है। तो फ्रेंड्स, मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में मेरी बेबी की जो हार्ट रेट थी वो 143 से लेकर 140, 125 ऐसी थी। तो मुझे बेबी गर्ल हुई है। तो ये पॉइंट भी जाएगा बेबी बॉय को। तो फ्रेंड्स, सातवां जो लक्षण है, तो बोला जाता है यदि मुंह पे बहुत सारी जाया और पिंपल्स होते हैं तो लड़की होती है, यदि आपका चेहरा बिल्कुल साफ रहता है तो लड़का होता है। तो मेरे केस में क्या हुआ था, मेरा चेहरा बिल्कुल साफ था, क्लीन था, एक भी जाया नहीं थी। तो ये पॉइंट भी जाएगा बेबी बॉय को। तो मेरे में सारे लक्षण थे बेबी बॉय के और मुझे हुई है बेबी गर्ल। तो फ्रेंड्स, इन लक्षणों से आप पता नहीं लगा सकते कि आपके घर में परदासी से लड़का होगा या लड़की होगी। कई बार ऐसे होता है कि हमें लड़के के लक्षण दिखाई देते हैं फिर भी हमें लड़की होती है। तो आप इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास मत रखिएगा और अपनी प्रेगनेंसी को इंजॉय कीजिए। आज के ज़माने में लड़का और लड़की दोनों एक समान है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।